हेलो दोस्तों, मैं हूं ज़ैन गेमर और मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कैसे चली। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। यह तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन जब इस रेलगाड़ी का निर्माण अपनी शैशव अवस्था में था तो वैज्ञानिकों ने इसे बनाने में कितने पापड़ बेले थे, आइए देखते हैं रोचकता से बनाया गया इस वीडियो को। आज से लगभग 225 वर्ष पूर्व यूरोप के कुछ उत्साही इंजीनियरों ने इस बात की कल्पना की थी कि वे एक ऐसा गाड़ी तैयार करें जिसे घोड़े के स्थान पर मशीन द्वारा चलाया जा सके। इस दिशा में अनेक लोगों ने प्रयास भी किया, किंतु सर्वप्रथम 1769 ईस्वी में फ्रांसीसी सेना ने एक इंजीनियर निकोलस जो थे कुगरों ने भाप से चलने वाली एक गाड़ी का निर्माण किया। यह एक तोप गाड़ी थी, लेकिन यह शोर करने के अलावा चिंगारियां भी बहुत छोड़ती थी। इसमें घोड़ा गाड़ी से अधिक खर्च आता था। कुछ समय बाद इसका एक पहिया टूट गया जिससे यह उलट गई। यह गाड़ी अधिक उपयोगी नहीं थी, अतः इसे शस्त्रागार में डाल दिया गया। कोर्निश के एक युवा इंजीनियर रिचर्ड ट्रेविथिक ने 1801 ईस्वी में एक लोहे की बड़ी इंजन गाड़ी बनाने में सफलता मिली। इस इंजन में एक चिमनी लगी हुई थी तथा आसपास सवारियों के बैठने का थोड़ा सा जगह था। ट्रेविथिक की इंजन गाड़ी सड़क पर चलने के अलावा पटरियों पर चलाया गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद इनकी गाड़ी में आग लग गई जिसकी वजह से यह नष्ट हो गया। आइए दिखाते हैं उसका एक छोटा सा नमूना, जिससे बाद में वैज्ञानिकों ने उसे बनाने का एक ढांचा तैयार करके आपको दिखाने का प्रयास किया है। इसके गुण के आधार पर इस इंजन गाड़ी का नाम बफिंग डेविल रखा गया। बफिंग डेविल का मतलब होता है छुक छुक करने वाला शैतान। जब सबसे पहली बार ये ट्रेन पटरियों पर दौड़ने लगी तो चिंगारियां देती हुई जब दौड़ी तो आसपास के लोग इसे भूत या शैतान समझ के छूट गए थे, भाग गए थे। ट्रेविथिक बड़ा साहसी आदमी था। उसने गाड़ी जलने के बाद वर्ष 1803 ईस्वी में दूसरी भाप इंजन गाड़ी बनाई तथा उसे चलाकर कर्नवाल से लंदन तक ले गया। इस यात्रा में इंजन का प्रतिबंध निकल गया था। ट्रेविथिक ने सोचा भाप इंजन गाड़ी को सड़कों से नहीं चला कि अगर इस लोहे की पटरियों पर ही चलाया जाए तो इसकी वैधता यानी वैलिडिटी ज़्यादा हो सकती है। फिर रिचर्ड ट्रेविथिक ने एक कंपनी से बात करके कर्णावली से लेकर लंदन तक पटरियां बिछा दिया। उसके बाद खुद इसका ड्राइवर बनके आगे चलने लगे। उसके बाद क्या हुआ आगे दिखाते हैं। ड्राइवर बनके जब चला तो कुछ लुटेरे डाकू भी होते थे उस समय, है ना, वो कैसे ड्राइवर को घुसा करके सामान नीचे भी फेंकवा देते थे और ताकि वो लूट को ले जा सके। देखिए रोचक ये वीडियो बहुत अमेजिंग आने वाला है, मजा आएगा आपको। तो ये चली ले तो ले सामान भी फेंक दिया ड्राइवर ने। ये देखो चबस यह लो और लो और दो कहीं मतलब और लो और ढेला और लो और सामान और दो। अब देखिए अब ने लूट लिया है यानी फेंका हुए सामान को इसने ले लिया है। वो बंदर वाला कहानी तो सुना होगा कि एक ढेला मारता है तो बंदर ऊपर से नींबू फेंकता है ना, ताकि चार ढेला मारा ऊपर से चार नींबू बंदर फेंक दिया, बस उसी का हाल है। बस मजा आने वाला है और देखिए क्या होता है। ट्रेन जा रही है आगे, देखिए पटरियां बिछी हुई है लकड़ियों पे, चलिए आगे। अरे अरे एक टॉमी भी पीछे, अरे वाह एक टॉमी भी पीछे पीछे ट्रेविथिक ने ले लिया था। चलो देखते हैं टॉमी क्या करता है। ओहो वाह कितना स्वीट नज़ारा है। ओहो अरे टॉमी रुक जा यार मत जा आगे। ओहो ऐसी बात है, ये देखो अरे यहाँ पे तो एक अरे अरे एक बम्बू रखी हुई थी, एक लकड़ी रखी हुई थी, फिर भी ट्रेन पार हो रही है। वाह आजकल तो ट्रेन पलट जाती है यार सच में, पहले के ज़माने की कुछ। अरे अरे ये टॉमी भी गजब है, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। अरे ये ट्रेन क्यों रुक गई। ओहो आगे ढेंचू महाराज हैं, गधे जी चलो हट जा भाई, यहाँ पे ट्रेन पार होना है अभी। नहीं हटूंगा, मेरा जमान है, मेरा जंगल में आ गया है, तुम सब नहीं हटूंगा, पटरिया बिछा दिया है, जाओ नहीं हटूंगा। चलो भाई ये हटने वाला नहीं है, चलो शुरू हो जाओ। ओए ओए जोड़ लगा के अहैया, चलो अब पार हो सकता है ट्रेन, चलो अब चलाया जाए, ढेंचू को छोड़ दो। हाँ जाओ तुम अपने रास्ते। ट्रेन शुरू हो गई और ट्रेन जाने भी लग गई। दोस्तों ढेंचू महाराज भी वहीं खड़े हैं, अब देखिए वो क्या करते हैं। अच्छा तुम चल दिए तो हम भी अब चल लेते हैं, अब रहने से यहाँ कोई फायदा नहीं है।
अरे वाह ट्रेन तो बड़ा गजब का था यार। पहले झूलवा झूलते जा रहे, टॉमी अभी तक भाग रहा है यार। ये देखो ये क्या है, ये गुफा। अरे ये ट्रेन रुक क्यों गई, अब ट्रेन रुक गई और बैक, अरे बैक क्यों आ रही है बैक। ओहो तो ये हैं हमारे गांव माता थे अंदर। ओहो चाह क्या बात है, आजकल तो ट्रेन रुकती नहीं है। चलो अच्छी बात है कि ट्रेन रुक गई, पीछे भी आ गई, आगे देखो क्या होता है। अरे गुफा से निकल गई ट्रेन, गुफा से निकली है अब पहुंचने वाली है, लेकिन कुछ आगे दूर देखिए चलने पर क्या होता है। अमेजिंग अमेजिंग वीडियो है ये, आप देख सकते हैं, मज़ा आने वाला है। बस पूरा वीडियो देखिए, आगे क्या हो रहा है। ये गुफा से निकल रही है ट्रेन, आगे एक ट्रैक मिलता है शायद, ट्रैक पे देखिए, अरे ये ट्रैक पे लगे हुए हैं। ओहो ट्रैक चेंज करना है, ओ ट्रैक तो चेंज ही नहीं हो रहा है। ओ सीट ट्रेन आ रही है, अरे जल्दी कर दो यार, जल्दी 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 ट्रेन आ गई, जल्दी जल्दी अब। ओहो कोशिश करो जोर लगा के, ऐसा ऐल, अरे कोई बात नहीं यार, जल्दी करो ट्रेन आ गई। अरे अरे नहीं हो रही, नहीं हो रही, जा हो गई। अरे यार अब तो क्या फायदा, इंजन तो दूसरे ट्रैक पर चली गई, ये डब्बा दूसरे ट्रैक पर, ये लो कर लो बात, हो गई गड़बड़, हो गई गड़बड़, ट्रेन किसी और पे है, इंजन किसी और पे। ये देखो इंजन को ब्रेक मारते मारते उसका डब्बा आगे बढ़ गया दूसरी पटरी पे, ये हुई ना बात, गजब। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब।